सामाजिक संस्था मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में कुचामन सिटी के राजकीय जिला चिकित्सालय में आयोजित टीकाकरण शिविर में चिकित्सक एवं स्वास्थ्य विभाग के टीमों ने इस साल सऊदी अरब के मक्का व मदीना जाने वाले हजियों को टीके लगाए। सोसाइटी के अध्यक्ष शकील कुरैशी ने बताया कि शिविर में कुचामन क्षेत्र की महिला व पुरुष हज यात्रियों को टीके लगाने के साथ उन्हें जरूरी जानकारियां भी दी गईं। उन्होंने कहा कि हज यात्रा का सौभाग्य नसीब वालों को मिलता है, ऐसे में सभी हजी जब खुदा की बारगाह में पेश हों तो भारत की तरक्की विकास उन्नति के लिए दुआ करें, साथ ही देश प्रदेश में भाईचारा और अमन चैन कायम रखने की भी दुआ करें। असली अखदार तो इसके आप ही हो यार, इतना मतलब सारा आप ही हो, आप जैसे लोग नहीं हो ना, आप जैसे राम काबरा जी जैसे। अच्छे चिकित्सालय में हज यात्रियों का टीकाकरण किया गया है, क्या कहेंगे, किस टाइप से क्या व्यवस्था है? हज यात्रा 2024 में जाने वाले हज यात्रियों के लिए आज राज्य के जिला चिकित्सालय कुचामन सिटी में टीकाकरण का कार्यक्रम रखा गया। मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में हर साल ये टीकाकरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज भी जिला प्रशासन, जिला की टीम के द्वारा, हॉस्पिटल की टीम के द्वारा सहयोग से टीकाकरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें कुचामन शहर के आसपास के जो भी हज यात्री जा रहे हैं उनका टीकाकरण और ज़रूरी हिदायत दी गई। कितने हज यात्री जा रहे हैं? कुचामन शहर के 10 हज यात्री जा रहे हैं इस साल हज यात्रा पर। आपका नाम और पता? मोहम्मद शकील, सदर मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, कुचामन सिटी।